I Javin Arjivanu, Assistant Professor in Education Methodology at JVW. Today I will discuss with you data type in PHP. हम जो PHP में कौन कौन से data type use करते हैं, क्या है उनके बारे में आज हम discuss करेंगे, okay? तो data type in PHP is in PHP the data type of variable is not set by the programmer. जो PHP data type variable programmer के द्वारा set होता है, क्योंकि उसमें हम जो होता है वो interpret होता है, ना कि उसको compile करते हैं. PHP decides the data type of variable after interpreting the variables. PHP जब है उस data type variable को decide करती है, जब variables के interpreting के बाद उसको decide करती है. ठीक है, क्योंकि इसमें compiling नहीं होता, internally compiling होता है, वैसे compiling होता है. ठीक है, अब PHP में data type किस type के data type होते हैं, different type के data type, three types of data type होते हैं. एक होता है numeric data type, एक होता है string data type, एक होता है array data type. अब numeric data type में क्या होता है, हम numeric जैसे नाम से पता है आपको numeric क्या होता है, नंबर. तो हम इसके numeric data type में हम क्या करते हैं, नंबर यूज करते हैं. तो numeric data type type is used for number. अब नंबर के लिए जो numeric data type हम यूज कर रहे हैं वो भी दो different type के नंबर प्रोवाइड करता है. तो there are two different number data types, first is integer, second is double. अब integer data type कौन सा होता है, जिसमें सारे के सारे number का full number values जो होते हैं वो insert होती है, वो होता है integer data type. तो integer data type contain करता है full number value, okay? For example जैसे हमने किया जैसे मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर मार्क्स, मार्क्स जो होता है 100, ये 100 जो होता है ये हमारा फुल नंबर ऑफ वैल्यू का है. मार्क्स कितने भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, 100 तक जो भी हो सकता है, ये फुल नंबर ऑफ वैल्यू है. डॉलर जाए वेरिएबल को सोचा है. ठीक है, डबल में क्या होता है, डबल कंटेन करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. इसमें फ्लोटिंग फ्लोट नंबर होते हैं, फ्लोटिंग टाइप के नंबर होते हैं, यानी पॉइंटों में नंबर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आया मेरा डबल, इसमें मैंने जो है वेरिएबल लिया है डबल नंबर का, वो है मेरा आई इक्वल टू 99.5. तो ये फ्लोटिंग नंबर हो गया, फ्लोटिंग टाइप का डेटा टाइप हो गया. अब स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप में हम क्या पढ़ते थे, पूरा स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मतलब पूरा एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम या सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन जाती है. सीरीज की इंफॉर्मेशन कितनी, जैसे हेलो वर्ड बोला, हेलो वर्ड, ये पूरा एक स्ट्रिंग है. तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है एक टेक्स्टुअल इंफॉर्मेशन या टेक्स्टुअल लेटर जो होता है उनको कंटेन करता है. तो स्ट्रिंग डेटा टाइप इज यूज टू कंटेन टेक्स्टुअल इंफॉर्मेशन और लेटर. ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू असाइन होती है वो पिटिशंस में होगी असाइन. जैसे खुद किसी का नाम लिया, जैसे डेविड नाम है फॉर एग्जाम्पल, इसमें डेविड नाम है, तो इसको हम कोई भी जब स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं, जो स्ट्रिंग असाइन करते हैं, तो उसके हम ऊपर जो है डबल कोटेशंस लगाते हैं. ठीक है, तो विद इन कोटेशंस में हम उस स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं. तो द वैल्यू जो होती है वो स्ट्रिंग के असाइंड होती है, द वैल्यू इज असाइंड विद इन कोटेशंस. जो हमने नीचे कर रखा है सेट नेम डॉलर स्ट्रिंग नेम, ये डॉलर वेरिएबल को शो करेगा, स्ट्रिंग नेम डेविड. डेविड जो है ये हमारा पूरा स्ट्रिंग है. ठीक है, अब इसको हमने किसके अंदर डिफाइन असाइन किया है, कोटेशंस के अंदर. इसी तरह से डेविड का आईडी भी होगा, उसको वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसको भी कोटेशन में नंबर दिया. फिर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, अब इन स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है जब हम दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, जो एडिंग प्रोसेस होता है वो कॉन्केटिनेशन प्रोसेस कहलाता है. तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन जो है प्रोसेस होता है बेसिकली दो एडिंग ऑफ टू स्ट्रिंग. ठीक है, ये जो होता है ये कैसे होता है, दिस इज डन बाय अटैचिंग वन स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ अनदर स्ट्रिंग. जब एंड वन स्ट्रिंग होता है उसके एंड ऑफ स्ट्रिंग से अटैच करते हैं तो हम वो नहीं करते. दिस इज डन बाय यूजिंग पीरियड ऑपरेटर्स. अब हम स्ट्रिंग करने के लिए इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पीरियड ऑपरेटर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का एग्जाम्पल ये रहा, जैसे कह रहे स्ट्रिंग फर्स्ट नेम स्लैश नेम इक्वल टू डेविड. ठीक है, डॉलर स्ट्रिंग स्पेस, फिर इसमें स्पेस होता है. अब हमने क्या किया, लास्ट नेम लिखा स्ट्रिंग लास्ट नेम जॉन. अब इसका तो कॉन्केटिनेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, स्ट्रिंग डॉलर स्ट्रिंग नेम, ये वेरिएबल नेम हो गया, फिर इसका फर्स्ट नेम डेविड, फिर डॉट डॉलर स्ट्रिंग स्पेस जो इसमें स्पेस आएगा, फिर डॉट डॉलर स्ट्रिंग लास्ट स्ट्रिंग. इन तीनों का हम कॉन्केटिनेशन करें. कॉन्केटिनेशन में आपको क्या करते हैं, स्ट्रिंग को ऐड करना है. तो तीनों को ऐड किया तो हमारा पूरा नाम क्या है, डेविड जॉन्स आएगा. ठीक है, और उस नाम को हम स्ट्रिंग नेम में करके कॉन्केटिनेशन करके उसको इको कर लेंगे. इको मतलब प्रिंट. ये है डेटा टाइप ऑफ पीएचपी. जो पीएचपी में हम डेटा टाइप यूज करते हैं, आपका जो भी स्ट्रिंग इंटीजर डबल
और अरे वो उनका है, बट दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल सेशन 2.0. थैंक यू.